ओम नमः परमहंसास्वादिसुचयन कमलचिन मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीषाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादी नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के पंचदश अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं के समक्ष पूर्व की वैकुंठ लोक की घटना का वर्णन किया जा रहा है। यह वैकुंठ धाम सर्वोच्च धाम है, सारे लोकों का वंदनीय है। वहां की यह घटना है, उसके वर्णन के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने बताया कि वहां नैश्रेष नाम का ऐसा वन है जिसमें ऐसे ऐसे वृक्ष हैं कि समग्र कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और वहां के स्थावर जंगम प्राणी मात्र श्री भगवान के यश वर्णन गुणगण वर्णन में ही दत्तचित्त रहने वाले हैं। वहां कोई किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव रखने वाला नहीं, और वहां निवास करने वाले सब भगवान विष्णु के स्वरूप में ही वेशभूषा में ही रहते हैं। वह सर्वोच्च लोक जो गोलोक धाम के नाम से भी, वैकुंठ धाम, साकेत धाम आदि नामों से कहा जाता है, ऐसा विलक्षण। वहीं सनकादि गए हुए हैं, उनके साथ में भगवान की वार्ता, वहां एक घटना घटेगी, भगवान की बातचीत होगी, वार्ता होगी, तो उससे धर्म के रहस्य का उद्घाटन भी होगा। वैकुंठ धाम में साध्य साधन की चर्चा, धर्म और धर्म से प्राप्त होने वाला फल, इसकी चर्चा की जाए। इसलिए बहुत ही मूल्यवान प्रसंग है। श्री ब्रह्मा जी बताते चल रहे हैं कि उस धाम में कौन लोग पहुंचते हैं, कौन नहीं जा सकते। 22 तक हुआ था, अब आगे यन्न व्रजन्त्यगभिदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येन विषयाः कुकथाः मतिघ्नीः यास्तु श्रुता हतभगैर्निभिरात्यसारास्तांस्तां क्षिपन्त्यशरणेषु तमः शुभन्तो। भगवान श्री ब्रह्मा जी देवताओं को वैकुंठ धाम का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हे देवताओं, उस वैकुंठ धाम में यत माने यस्मिन वैकुंठे न प्रजन्ति, नहीं जाते हैं। कौन नहीं जाते हैं? जा ही नहीं सकते। कहते हैं कि अगभिदः रचनानुवादात् शरवंती,
अब हमारे पाप का नाश करने वाले भगवान के लीला कर्मों का अनुवाद करने वाली कथाओं को जो नहीं सुनते, बल्कि इनको छोड़ना, इनको सुनना छोड़ करके अन्य विषया कुकथा श्रवंती, ये अन्य विषया कुकथा कुत्सिता कथा श्रवंती, अर्थ और काम संबंधी कथाएं सब कुकथाएं हैं, कुत्सित कथाएं हैं, मतिघ्नी विशेषण है, ये सुनने वाले मनुष्यों के मति का नाश करने वाली हैं। अर्थ काम संबंधी कुत्सित कथाएं जो श्री भगवान की लीला रचना की कथाओं से भिन्न चर्चाएं हैं, वे मति का नाश करने वाली हैं। उनको जो सुनते हैं वे नहीं जाते हैं वहां। और कहते हैं कि ऐसी कथाओं को सुनने वालों की दशा क्या होती है, यास्तु श्रुता हत भगई निभिरात दशारा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले तो जिनका भाग्य नष्ट हो गया है, अभागे हैं, वही लोग इनको सुनते हैं। हत भगई ही या श्रुता मतिघ्नी कुकथा अन्य विषया, भगवत भगवान से भिन्न विषय वाली कुत्सित कथाएं बुद्धि को नष्ट करने वाली अभागे लोगों के द्वारा जब सुनी जाती हैं तो क्या होता है, आत्मसारा उनकी बुद्धि उनके हृदय का सारा सार नष्ट कर देती है, खींच लेती है सार। और तांस्तां क्षिपन्ति शरणेषु तमः सुहन्तो, हंत खेद व्यक्त करने के लिए निपात है, बड़े खेद की बात है देवताओं, ऐसे लोग उन कथाओं को सुन करके उनकी बुद्धि का सार चला जाता है और वे कथाएं उनको अंत में उन स्थानों में फेंक देती है। क्षिपन्ति माने फेंक देना, कूड़ा कचरा की तरह से फेंक दिया जाता है, जैसे क्षिपन्ति अशरणेषु, कहां फेंक देती है कथाएं ये, अशरणेषु माने जहां कोई भी सहारा नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जैसे वेद की श्रुति है, असूर्या नाम ते लोकांधेन तमसा ब्रवाह कांस्ते प्रत्याधिगच्छन्ति ये के चात्महनुजना, ऐसे जगह फेंक दे। तो ऐसे लोग जो हो भगवत विषय कथा को छोड़ करके बुद्धि को बर्बाद करने वाली अर्थ काम विषयी कथाओं को सुनते हैं, वे उस वैकुंठ धाम में जा नहीं जा सकते। वहां जाना तो दूर रहा, उनको तो वे कथाएं उनके सार का नाश करके कूड़ा करकट की तरह से तमहसु अंधकार पूर्व लोकों में योनियों में फेंक देती है, पटक देती है, मरते रहो। ठीक है, पुनः कथम भूतम तत्, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वह वैकुंठ धाम जहां शंकादि भगवान का दर्शन करने के लिए गए हुए हैं वह कैसा है, तो कहते हैं यद वैकुंठम न ब्रजन्ति, जिस वैकुंठ में वे लोग नहीं जाते। कौन लोग नहीं जाते के, ये कुकथा श्रवंती, जो कुत्सित कथाओं को सुनते रहते हैं। कौन सी है कुत्सित कथाएं, काष्ठा अघम भिनत्यगधित तस्य हरे रचना सृष्ट्याद लीला तस्या अनुवादात अन्य विषया,
व्यावृत्ति रूप में निर्वचन करते हैं, जो अघ का नाश करने वाली भगवान की लीला कथा है। हरे है रचना सृष्टियादि लीला, श्री भगवान के द्वारा जो सृष्टि की रचना की जाती है लीला रूप, इससे संबंधित कथाएं न सुन करके अन्य विषयनी कथाएं जो हैं उनको जो सुनते हैं, पापों का नाश करने वाली भगवान की लीला कथाओं को नहीं सुनते हैं, तस्या अनुवादात अन्य विषया, उनसे भिन्न विषय वाली कथाओं को, वे कथाएं कौन सी होंगी? अर्थ कामादि वार्ता, जिनमें धन और भोग, अर्थ और काम, यही विषय रहता है, वर्णन का विषय ही वह नहीं है। और ऐसी कथाएं मतिघ्नी मतिभ्रंशिका, श्रोताओं की बुद्धि का नाश करने वाली होती है। ऐसे लोग उस वैकुंठ धाम में नहीं जा सकते। आप कहते हैं कि वे क्यों नहीं जाते हैं वहां? तेषाम अव्रजने हेतु, ऐसे लोग जो अर्थ काम की वार्ता में रत रहते हैं रात दिन, भगवान की कथा से दूर रहते हैं, वे क्यों नहीं जाते हैं? यास्तु हत हत भाग्य नरई श्रोता, पहले तो वे अभागे मनुष्यों के द्वारा सुनी हुई होती है, सुनी जाती है। श्रोता सत्यस्तान स्तान श्रोत्रीन, उन सुनने वाले श्रोताओं को, अर्थ काम विषयी कथाओं को, आसरणेशु निराशयेशु, जहां कोई अपना रक्षा करने वाला नहीं, शरण नहीं, आश्रय नहीं, रक्षा करने वाला नहीं, ऐसे तमहपूर्ण लोकों में, नरकादिकों में फेंक देती है कथाएं क्षिपंत। हंत शब्द खेद व्यक्त करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, कितने खेद की बात है। कथम भूता, ये कथाएं ऐसी कैसी होती है कि अंधकार के लोकों में फेंक देती हैं? तो कहते हैं आतः सारह सोती नाम पुण्यम याधिष्ठा, अर्थ काम की वार्ता वाली कथाएं सुनने वालों के सार को, पुण्य को नष्ट कर देती है, सुखा देती है, भस्म कर देती है, उनके पुण्य रह ही नहीं जाते, इसलिए वे वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। इसी प्रसंग में श्री ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं, ये अध्यर्थिताम विचनु मृगतिम प्रपन्ना ज्ञानम च तत्व विषयम सह धर्म यत्र नाराधनम भगवतो वितरं समुष्य सम्मोहिता विततया बत मायाते। ब्रह्मा जी को ऐसे अभागे मनुष्यों का स्मरण हो आया, इसलिए कहने लगे कि हे प्रिय देवताओं, निगते माने मनुष्य योनि, मानव शरीर की प्राप्ति, न अभ्यर्थितामपि, मानव शरीर हमको मिल जाए, देवताओं को मिल जाए, देवता रात दिन चाहते हैं कि हमको मानव शरीर मिल जाए, देवताओं के द्वारा प्रार्थनीय मानव शरीर जन्म पा करके भी जो अभागे मनुष्य मानव योनि में, मानव शरीर में क्या विलक्षणता है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं दो चीजें, ज्ञानम च तत्व विषयम सह धर्म यत्र, मनुष्य योनि मनुष्य लोक में ही तत्व विषय ज्ञान और धर्म,
ये दो वस्तुएं दो पदार्थ मनुष्य योनि में ही उपलब्ध हैं। ऐसी परम मूल्यवान मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी जिसकी देवता लोग हम लोग भी चाहना करते हैं, ऐसी मूल्यवान मानव योनि प्राप्त करके भी प्रपन्ना प्राप्त करके निवाले, किंतु नाराधनं भगवतो वितरन्तमुष्य, भगवान की आराधना में मन नहीं लगाते। मनुष्य योनि में तत्व ज्ञान, तत्व विषय ज्ञान और धर्म, धर्म साधन है, तत्व ज्ञान साध्य है, फल है, साध्य साधन दोनों ही मनुष्य योनि में संभव है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो भगवद आराधन नहीं करते, नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य, तो यह देख करके ऐसा लगता है अमुष्य विततया माया से सम्मोहिता, बस यह भी खेद के लिए निपात है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कितने खेद की बात है कि इतने मूल्यवान मानव योनि को प्राप्त करके भी भगवान की आराधना नहीं करते मनुष्य। ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से उन्हीं की अमुष्य माने भगवता वितया माया सम्मोहिता इति प्रतीत, भगवान की माया जो चारों ओर सर्वत्र फैली हुई है, लगता है कि वे इसी से मोहित हो रहे होते हैं। मोहित होने के कारण वे भगवान के भजन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे मूल्यवान योनि प्राप्त करके श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रसंगात तान शोचन, मूल्यवान मानव देह को प्राप्त करके भी जो लाभ नहीं उठाते, ब्रह्मा जी उनके संबंध में शोक व्यक्त करते हैं। नो अस्माधिर ब्रह्मादि अपि अभ्यर्थिताम, अरे हम ब्रह्मादि भी जिस मानव योनि को चाह करते हैं, अभ्यर्थिताम निर्गते मनुष्य जातिम, ऐसी मनुष्य जाति को योनि को जिन्होंने प्राप्त कर रखा है, प्रपन्ना प्राप्ता प्राप्ता संतोपि हरे राराधनम न कुर्वन्ती, भगवान श्री हरि की आराधना नहीं करते हैं, उनके संबंध में शोक व्यक्त करते कीदृशीम निगतिम, यह मानव योनि कैसी है मूल्यवान। कहते हैं यत्र यस्याम धर्म सहितम तत्व ज्ञानम भवति, मनुष्य योनि में धर्म सहित तत्व ज्ञान होता है, प्राप्त होता है, अन्यत्र संभव नहीं। तदुभय साधकत्वात् तस्याः तस्याः योन्याः, मनुष्य योनि ही इन दोनों फलों को सिद्ध कराने वाली है। मानव देह के अतिरिक्त देह में इनकी प्राप्ति संभव नहीं है, ऐसी मूल्यवान मानव योनि। किंतु उसको प्राप्त करके भी जो श्री हरि की आराधना नहीं करते, ते अमुष्य भगवतो विस्तृतया माया ननु सम्मोहिता, ऐसे मनुष्य निश्चित रूप से उन्हीं भगवान की सर्वत्र फैली हुई माया के द्वारा सम्मोहित हो रहे हैं। बतेति खेदे तत् निपात खेद अर्थ में, कितने खेद की बात। अथवा श्रीधर स्वामी दूसरी तरह से पदार्थों का संबंध बताते हैं, यदि वा एवं संबंध केवलम तम एवं न ब्रजंती, ता एव है ना, केवलम ता एवं न ब्रजंती,
पहले श्लोक में बताया ना कि जो हो भगवत कथाओं को न सुन करके अर्थ काम की चर्चाओं को सुनते हैं वे वैकुंठ धाम में नहीं जाते हैं। तो पहले कह चुके हैं इस श्लोक में कहते हैं किंतु ये भगवत आराधना न कुर्वंती, जो भगवान की आराधना नहीं करते भले अर्थ काम की कथाएं न भी सुनते हो किंतु भगवान की आराधना भी नहीं करते ते न गच्छन्ति, वे भी वहां वैकुंठ धाम में नहीं जाते। तेषां माया मोहितत्वात्, क्योंकि भगवान की आराधना से विमुख रहना भी भगवान की माया से मोहित होना ही है कारण। तो अर्थ काम की चर्चा में जो मन लगाने वाले उन्हीं को सुनने सुनाने वाले वे नहीं जाते, और जो भगवान की आराधना उपासना से वंचित रहने वाले माया मोहित हैं वे भी नहीं जाते। होना कहते हैं फिर आखिर जाते कौन है, उस वैकुंठ धाम में जाने वालों का परिचय दे रहा है। यच्च ब्रजन्ते निमिषाम ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमा ह्युपरिणः स्पृहणीय शीला भर्तुर्मिथस्वयशसः कथनानुरागो वैक्लव्यवास्तकलया पुलकी कृपाङ्गा। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि यच्च, यच माने यस्मिन वैकुंठे ब्रजन्ति, जाते हैं कौन जाते हैं, अनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या देवताओं में श्रेष्ठ श्री भगवान का अनुवर्तन करने वाले, और उनका विशेषण है दूरे यमा, जो यमराज के प्रभाव से दूर रहने वाले हैं। भगवत भक्त होंगे तो यमराज के प्रभाव से दूर रहने वाले हैं, अथवा अर्थांतर में यम निमादि जो साधन है इनकी भी उपेक्षा करके भगवान के भक्ति मार्ग में चलने वाले हैं। माने यम निमादि का अभिमान छोड़ करके भगवान का अनुसरण करने वाले हैं। माने यम नियमादि असंगत है ऐसा नहीं है, तो संगत, किंतु यम नियमादि योग साधनों का अभिमान व्यक्ति लेकर के बैठ जाए और भगवान की परवाह न करे, भगवान की उपासना न करे तो नहीं बने। इसलिए यम नियम भले छूट जाए भगवत प्रेम नहीं छूटना चाहिए। दूरे यमा ऊपरी न स्प्रणीय शीला, ऊपरी न न माने स्मातम ऊपरी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह वैकुंठ धाम जो है हमारे धाम से ऊपर है, ब्रह्मलोक से ऊपर है, सभी लोकों से ऊपर है, वे ही वहां जाते हैं। एक विशेषण और है स्पृहणीय शीला, जो स्वभावतः जीव मात्र के प्रति करुणा भाव से ओतप्रोत रहने वाले हैं, स्पृहा करने वाले हैं। देखिए अर्थ और भोग के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य जो है क्रोध हो जाता है, उसको हो मनुष्य मनुष्य के बीच में कोई अनुराग नहीं रहता, केवल मतलब का संबंध रखना चाहता है, दूसरे के प्रति अनुग्रह सद्भावना खो बैठता है, नष्ट कर देता है, चित्त उसका कठोर हो जाता है। अर्थ और भोग ये चित्त को कठोर बनाते हैं, इस प्रहणीय शीलता उसमें नहीं रहती, स्पृहणीयशीलता के लिए तब चाहिए जीवन में, तब भोग से विरक्त करेगा, अर्थ से भी विरक्त करेगा। ऐसे जो है वे उस वैकुंठ धाम में जाते हैं स्पृहणीयशीला।
और उनका लक्षण क्या है। अब ये तो सब चीजें अंतरंग है, अंतरंग भीतर क्या है किसके क्या पता चले, तो लक्षण बता रहे ब्रह्मा जी। उनको पहचानो, कैसे पहचानोगे। भरतुर्मिथस्यशसः कथना निरागो वैक्लव्यवास्व कलया पुलकी कृतांगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनकी पहचान यह है, क्या है, अपने स्वामी भरता भगवान के सुंदर यश की चर्चा जब चलती है भक्तों के बीच में, जहां सुनने वाले होंगे वह तो चर्चा चलेगी, सुननी नहीं चाहे तो कौन चर्चा करे, है ना। तो आपस में मिथा माने आपस में भक्त भक्त ही चर्चा करें, असुर प्रवृत्ति का थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जब चर्चा चलती है तो चर्चा चलने के समय उनका अनुराग बढ़ता चला जाता है और भगवान के प्रति अनुराग बढ़ने से विकल हो जाते हैं। भगवान ने दर्शन नहीं दिया, बहुत देर हो गई, बहुत जीवन बीत गया। मनु जी कहते हैं भयम न विषय विराग भवद बसत भा चौथ पद हृदय अधिक दुख लाग जन्म गय हरि भजन। जो तड़प रहा हो भगवान के दर्शन के लिए, भगवत प्रेम के लिए, इसलिए दौड़ भाग करके संतों के पास जा रहा है, वहां समय गुजारता है, सेवा करता है, उनकी बातें सुनता है, और जब उनकी बातें सुनता है तो भगवान की चर्चा होती है। संत है होते ही नहीं जहां भगवान की चर्चा, तो उनको सुनते सुनते अनुराग से विकल हो जाता है, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। ऐसा जिसका दिखाई पड़े समझ लो हो यह वैकुंठ गामी है, वैकुंठ जाने वाला है। वाष्प कलया पुल की कृतांगा और उनके अंग पुलकायमान हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे जो भगवान के अनुरागी प्रेमी भक्त जन है वे उस वैकुंठ धाम में जाते हैं, जाने वालों का चाहते हैं। ठीक है। पुनः कथम भूतम, अब तक तो व्यतिरेक विधया वर्णन करते चले आए ब्रह्मा जी, ऐसे लोग नहीं जा सकते, ऐसे लोग नहीं जाते, ऐसे लोग नहीं जाते, किंतु जाते कैसे लोग हैं उसका वर्णन किया। न ऊपर स्थितम ब्रजन्ति, माने इस वैकुंठ धाम में जाने वाले ऐसे होने चाहिए क्योंकि यह धाम तो मेरे ऊपर है, तो ब्रह्मा जी से भी ऊंचे स्तर वाला चाहिए ना। यह चन्ना ऊपर स्थितम, जो वैकुंठ धाम हमारे ऊपर स्थित है, हमारा आराध्य पूज्य है, वहां वे लोग जाते हैं। कौन जाते हैं के अनिमिषाम देवानाम ऋषभा श्रेष्ठा। अनिमिष कहते हैं देवताओं को, उनमें श्रेष्ठ देव देव भगवान को देवताओं के देव श्रेष्ठ हरि तस्याल वृत्या, उन्हीं भगवान का वर्तन करने में लगने वाले हैं। दूरे यमो ये हम, ऐसे भक्त जनों से कोई अपराध तो बनता नहीं, इसलिए यमराज उनसे दूर रहते हैं। यमराज ने अपने दूतों को मना कर रखा है, जहां भगवान के प्रेमी भक्त वहां भूल से मत जाना, अच्छी तरह समझ के जाना। यदवा अथवा दूरी कृत यम नियमा, दूसरी व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, यम नियमों को जिन्होंने उपेक्षा कर दिया है, दूर कर दिया है। पाठांतर में कहीं पाठांतर है, दूरी पाठांतरे दूरी कृता अहंकारा इत्यर्थः, हम योगी हैं, योग साधना करते हैं, इसका अहंकार जो लिए रहते हैं वे प्रायः भगवान से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि उनको साधना अभिमान जो है
भगवान के आश्रय की आवश्यकता का अनुभव नहीं करने देता। हम साधन करके कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इसलिए अहंकार जब तक रहेगा साधन का, तब तक भगवान दूर रहेगा। दूरी का अहंकार आयुक्त का स्प्रेणियम करुणादशीलम ये काम। ऐसे भगवान के जो प्रेमी भक्त होते हैं उनका शील बड़ा स्प्रहणीय होता है ना, अत्यंत करुणा आदि दैवी गुणों से भरपूर रहते हैं। किंच भरपूर हरे यत सुयशस तस् मिथक कथने, एक महिमा और बताते हैं। भगवान श्री हरि के सुंदर यश का जो कथन है, गान है आपस में भक्तों के बीच में कथने, उसमें इतना अनुराग उनको आता है, ये अनुराग स्टेन वैकलव्यम, उसमें वे विकल हो जाते हैं, वैमस्यम विवश हो जाते हैं। तेन वाष्प कला, और उससे उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। दो, तीसरा तया सह पुलकी कृतम अंगम ये शाम, उनके सारे शरीर के अंग पुलकायमान हो जाते हैं। अथवा एक दृष्टि और देते हैं श्रीधर स्वामी, यद्वा न उपरीत ब्रजताम विशेषम, हमारे ऊपर है वह वैकुंठ धाम, यह व्याख्या ब्रह्मा जी ने जैसा कहा कर दी। आप कहते यद्वा न उपरित ब्रजताम विशेषम, माने जो हमसे ऊपर हैं, हम भी जिनके सामने कुछ नहीं है, ये अभिप्राय। ये जाने भगवत धाम, भगवंत धाम जाने वालों का विशेषण, तो विशेषण होने का क्या हुआ, ब्रह्मा जी के स्तर से भी जिनका स्तर ऊंचा हो, ये अभिप्राय। निरहंकारत्वात् अस्मत्तो ये अधिकाः, क्योंकि ब्रह्मा को तो हो रजोगुण के उपाधि को युक्त होकर के प्रकट हुए है ना, संसार की रचना करनी है। निरहंकारत्वात् निरहंकार नहीं होते, सृष्टि की रचना करना है ना। अस्मत्तो ये अधिकाः, हमसे भी जो अधिक है, देखिए इसीलिए सनकादि जा रहे हैं। सनकादिकों को जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए प्रेरणा दी, मना कर दिया, हमने ये सृष्टि कर, ब्रह्मा जी को बुरा भी लगा, पीछे आज आ गया ना प्रसंग, तो साफ कह रहे हैं कि भले उन्होंने मना कर दिया और क्रोध आया ब्रह्मा को, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी स्थिति ब्रह्मा जी से ऊंची थी, निवृत्त थे ना, ब्रह्मा जी तो निवृत्त नहीं है, उनको तो बड़ी चिंता लगी हुई है, सृष्टि बढ़ नहीं रही, क्या करें क्या क्या न करें, सब बदलना चुका है। निरहंकारत्वाद अस्मत्तो रूपे अधिकाः, हमसे भी वे अधिक होते हैं जो उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। ते यद ब्रजन्ति इत्यर्थः, आप कहते हैं अब तक जो है वैकुंठ धाम की वहां की स्थिति, जड़ चेतन स्थावर जंगम, उसकी सारी महिमा विशेषता का वर्णन करने के बाद आप कहते तद विश्व गुरुवधिकृतम भुवनैक वंद्यम दिव्यम विचित्र विबुधाग्र विमान सूची आपुः पराम मुदमपूर्वेत योगो माया बलेन मुने अस्तदथो विकुंठम। श्री ब्रह्मा जी आगे वर्णन कर रहे हैं, अभी तक तो पूर्व में प्रस्तावना की गई थी कि ऐसे वैकुंठ धाम को मेरे मानस पुत्र सनकादि गए, जो तुम्हारे पूर्वज वैकुंठ धाम में गए, जहां वैकुंठ भगवान विष्णु का नाम भी है, धाम का भी वही नाम है,
उस धाम की महिमा का वर्णन यहां तक करके ऐसे उस वैकुंठ धाम में गए, यहां वाक्य पूरा होगा। तद विश्व गुरु अधिकृतम भुवनैक वंद्यम, वह वैकुंठ धाम जहां शंकरादि पहुंच गए कैसा है ना, विश्व के गुरु है ना, त्रैकालिक विश्व प्रपंच संसार के गुरु भगवान श्री हरि वे वहां पर निवास करने वाले हैं, अधिकारी हैं, अधिकृत हैं। और भुवनैक वंद्यम, समस्त भुवनों में के लिए वह वंदनीय है, दिव्य है। तीन, और विचित्र विबुधाग्र विमान सूची, वहां पर विचित्र प्रकार के देवाग्र गण अपने विमानों की शोभा से उसको दिव्य बनाए रखते हैं। ऐसे उस वैकुंठ धाम में शनकादि पहुंच गए, आपहु पहुंच गए, और वहां पहुंच करके आपहु पराम मुदम पूर्व वेत योगो माया बलेन मुणयस्तथो विकुंठम। वे शनकादि मुनय शनकादय योग माया बलेन, योग माया के बल से, केवल योग बल नहीं योग माया के बल से, क्योंकि वहां ऐसे थोड़े कि जो कोई पहुंच जाएगा, योग माया के बल से। और है ना चिन्मयी माया, चिद रूप माया, तो वहां पर पहुंच करके अपूर्वम मुदम प्रापुः आपुः, पराम मुदम आपुः। अपूर्वम माने जहां पहले कभी नहीं गए थे, जिस वैकुंठ धाम में उसके उनके अलावा में कोई नहीं गया, ऐसी लोक में पहुंच गए। वहां पहुंच करके योग माया के बल से, और वहां पहुंच करके उन्होंने परम मोद प्राप्त किया। टीका, तत्तदा तदपूर्वम वैकुंठम अथो अनंतरम उपेत्य मुनय पराम उत्कृष्टाम मुदमापुः। ऐसे उस अपूर्व वैकुंठ में, वैकुंठ धाम में, अनंतरम उपेत्य चल करके पहुंच गए, और वहां पहुंच करके उत्कृष्ट आनंद का अनुभव उनको हुआ, प्राप्त हुआ, बहुत प्रसन्न हुए, परमानंद से पूर्ण हुए। वह अपूर्व वैकुंठ धाम क्यों है, तो उसकी अपूर्वता के लिए विशेषण दे रहे हैं, विश्व गुरुणा हरिणा अधिकृतम अधिष्ठितम। वह धाम विश्व के गुरु भगवान श्री हरि से अधिष्ठित है, साक्षात भगवान वहां विराजमान, और लोकों में तो जो विराजमान है वे उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए है ना, वे सकारण, भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर के विराजमान वैकुंठ धाम। क्यों भुवना नाम एकमेव वंद्यम, समग्र भुवनों में जो एकमात्र वंदन करने योग्य है, वंदनीय है, क्यों दिव्यम अलौकिकम, अलौकिक है, विचित्रान विबुधाग्रणाम विमानान, विचित्र प्रकार के देव श्रेष्ठों के विमान वहां उद्दीप्त प्रकाशित बने रहते हैं। तेषाम सोचिर दीप्तिर यस्मिन, उनकी दीप्ति वहां प्रकाशित बनी रहती है। योग माया बलेनेति अष्टांग योग प्रभावेण उपेत्य, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि, परमेश्वरे तु योग माया इति चित्त शक्ति विलास इति द्रष्टव्यम्।
परमेश्वर के लिए है तो योग माया शब्द जो है चित शक्ति का विलास है, किंतु साधक के लिए अष्टांग योग रूप है। ऐसे उस वैकुंठ धाम में पहुंच गए और परम आनंद का अनुभव हुआ। कहते हैं कि तस्मिन्नतीत्य मुनय सदसज्जमाना कक्षा समान वैशावथ सप्तमायाम देवावचक्षत गृहीत गदौ पराध केयूर कुंडल किरीट बिटंक वेश। उस वैकुंठ धाम में पहुंच करके शनकादि मुनियों ने छह कक्षाओं को तो अनायासेन पार कर लिया। तस्मिन् वैकुंठे धामनि असज्जमानाः मुनयः षट् कक्षाः अतीत्य। उस वैकुंठ धाम में पहुंच करके ऋषि मुनि शनकादि छह कक्षाओं को, द्वारों को, ड्योढ़ियों को पार करते चले गए। वहां की अद्भुत दृश्य को देख करके संसक्त नहीं हुए कि जरा और देख ले, जरा और देख ले। अगर इस तरह से देखने लगते अद्भुत तो था, किंतु उनकी दृष्टि उसमें संसक्त नहीं हुई। असत जमाना दृढ़ संकल्प लेकर के आए थे ना भगवान का दर्शन करना, इसलिए वैकुंठ लोक का दर्शन करते हुए चलते चले गए, चलते चले गए। छह कक्षाओं को पार कर लिया। सप्तमी कक्षा में जब पहुंचे तो वहां शनकादिकों ने दो देव प्रवरों को देखा। समान वैशावथ सप्तमायाम, सप्तम कक्षा में पहुंचने पर छह को तो पार करते चले गए, समान आयु वाले दो देव प्रवर देवावक्षत गृहीत गदौ परार्ध्य। कैसा उनका स्वरूप है, दोनों देवता हाथ में गदा लिए हुए हैं, जय विजय। और जिनका वेश कैसा है, बड़ा सुंदर आकर्षक, पराध केयूर कुंडल किरीट विटंक वेश। वेश कीमती केयूर कुंडल मुकुट, इन सबों के संसर्ग से है ना, वितंक माने अत्यंत रमणीय सुंदर वेश वाले दो देवता देव प्रवरों को देखा सप्तम कक्षा में पहुंचने पर। ठीक है, तस्मिन् वैकुंठे षट् कक्षाः प्राकार द्वाराणि। उस वैकुंठ लोक में पहुंच करके शनकादिकों ने छह कक्षाओं को, प्राकार द्वार माने चार दीवारियां अलग अलग हैं, एक चार दीवारी के द्वार में प्रविष्ट हुए, दूसरे दीवारी आ गई उसमें प्रविष्ट हुए, तीसरी आई उसमें प्रविष्ट हुए, चौथी, इस तरह से छह प्राकार द्वारों को पार करते चले गए। है ना, असज्जमाना क्यों इतनी जल्दी छह को पार कर लिया, हाँ क्यों असज्जमाना, वे कहीं संसक्त नहीं हुए। भगवत दर्शनोत्कंठया तत्त अद्भुत दर्शने आसक्तिम अकुर्वाणा, भगवान के दर्शन की इतनी तीव्र उत्कंठा थी शनकादिकों को कि यद्यपि वैकुंठ धाम में सब अद्भुत ही दर्शनीय था, किंतु ऊपरी दृष्टि से देखते चले गए, आसक्त नहीं हुए, आसक्तिम अकुर्वाणा, इसलिए पार करते चले गए। सातवीं द्वार पर पहुंचने पर दो द्वारपाल दिखाई पड़े, द्वारपालौ देवौ अपश्यन्, दो द्वारपालों को देखा। समानम वयोयो, जिनकी अवस्था समान थी, और गृहीते गदे याध्याम, दोनों ने एक एक गदा ले रखी।
परार्धर्य के युवराज फिर बेटंका सुंदरो वेशो यो वेश कीमती केयूर आदि आभूषणों के द्वारा अत्यंत सुंदर वेश है जिनका। ऐसे उन द्वारपालों को सनकादिकों ने देखा और उन्हीं का वर्णन और करते हैं। मत्तद्रेफ बन मालिकया निवीतौ विन्यस्तया शित चतुष्टय पाहुमूले वक्त्रम भुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्याम रक्ते क्षणेन च मनाग्रसभम दधानौ। श्री ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे दोनों द्वारपाल सप्तम कक्षा में जो नियुक्त थे उन दोनों के गले में वनमाला पड़ी हुई थी, है ना। वैकुंठ धाम के निवासियों का वेश भगवान जैसा होता है, तो वनमाला में कहते हैं मतवाले भंवरे गुनगुना रहे थे फूलों की खुशबू से आकृष्ट होकर के। मत्तद्रेफ बन मालिकया निवीतौ मतवाले भंवरों से गुंजायमान वनमाला से उनका शरीर ढका हुआ था, आजाल लंबिनी माला थी वनमाला, निवीतौ व्याप्त थी माला यहां से नीचे घुटने तक। विन्यस्तया सुत चतुष्टय बाहु मध्य और वे दोनों चार चार भुजा वाले हैं, चारों भुजाएं कैसी आसित माने नील वर्ण की, उनका वर्ण भी भगवान जैसा है। आसित वर्ण वाली चारों भुजाओं के मध्य में वह बलमाला पड़ी हुई है, शोभित हो रही है। एक और उनका मुखारविंद कैसा है, वक्त्रम भुवा कुटिलया, एक तो उनकी भ्रकुटि कुटिल है टेढ़ी है, क्योंकि सेवा करने के लिए नियुक्त है ना, लापरवाही थोड़े अरा गहरा व्यक्ति चला जाए तो। स्फुट निर्गमाभ्याम रक्त क्षणेन रक्त क्षणेन च मना गर्भम दधानौ और कुटिल भ्रकुटि और उनके नासा छिद से वायु प्राण वायु जो स्फुट रूप से चल रहा श्वास। देखिए जब कोई व्यक्ति ड्यूटी में सतर्क रहता है तत्पर रहता है तो बिल्कुल सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों महसूस होते रहते, वही कह रहे हैं। और लाल नेत्र है उनके, रक्त क्षणेन च मनाग्रसभम दधानौ, इन तीन कारणों से कुछ क्रुद्ध क्रुद्ध सा देश बनाए हुए हैं, क्रोध सा कर रहे हैं, क्रुद्ध से है। टीका तावे वर्णयति, उन्हीं दोनों द्वारपालों का वर्णन करते हैं। मत्ता दुरेफा यश्याम, उन दोनों द्वारपालों के गले में जो लंबी बनमाला है उसमें मतवाले भौरे गुनगुना रहे हैं। कया बनमालया निवीतौ, उसी आजाद लंबिनी बनमाला के द्वारा वे अलंकृत हैं, व्याप्त हैं। कंठ लंबिन्या अलंकृतौ, कंठ से नीचे तक लंबी शोभित हो रही है, अलंकृत हो रहे हैं। और आशिता नीलाश चतुष्टय चतुष्संख्याका बाहवः, नील वर्ण की चार चार भुजाएं हैं उनको दोनों की जय विजय की। तेषा मध्य विन्यस्तया, चारों भुजाओं के मध्य में कंठ में माला रहती है ना, भुजाओं से घिरी हुई है, चारों भुजाएं ऊपर है, विन्यस्त है। वक्त्रम च मनाग्रसभम किंचित क्षुब्धम दधानौ, उनके मुखार बिंद को देखने से लगता है कुछ गुस्से में क्षुब्ध है, ऐसा वक्त धारण किए हुए हैं।
और स्फुटौ उत्फुल्लौ निर्गमौ श्वास मार्गौ, उनके नासा छिद्र के श्वास मार्ग उठे हुए हैं, है ना। श्वास निकल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसलिए फूले हुए हैं नथुने। नासा पुटे ताभ्याम द्वारे तयोर निवेशत निवेशित रुभ्यसतो रतस्त्वा पूर्वा यथा पुरत वज्र कपाटिकाया सर्वत्र ते विषमया मुलया स्वद्रक्षा स्वदृष्ट्या ये संचरन्ति विहिता विगताभिशंका। कहते हैं श्री ब्रह्मा जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे देवताओं, एकयो हो मिशतो हो, है ना, द्वारी दरवाजे पर ही गदा लिए डटे हुए थे, दोनों देख रहे थे कौन जा रहा है कौन आ रहा है, किंतु सनकादिकों ने उनके देखने की चिंता नहीं की, पूछा उछा भी नहीं कि चले जाए अंदर, अप्रस्तवा बिना पूछे ही, तो दरवाजे पर ही खड़े थे, किंतु बिना पूछे उनके देखते हुए ही घुसने लगे। अच्छा, उनकी आदत पड़ी हुई थी, छह दरवाजे इसी तरह से पार करते चले आए थे ना। पूर्वा यथा पुरत वज्र कपाटिकाया, पहले के छह द्वारों के दरवाजे स्वर्ण और वज्र के किवाड़ लगने वाले द्वार जो थे, जैसे पहले के छह को पार करते चले आए, वैसे ही सातवें में उन दोनों द्वारपालों से बिना पूछे उनके देखते देखते ही घुसने लगे। तो कोई कहे नीति की शिक्षा दे कि भाई शिष्टाचार कहता है कोई है तो पूछ लो। तो देखिए, पूछने का अर्थ यह होता है कि दूसरा कोई हो तो पूछा जाए। उनकी दृष्टि तो इतनी उत्कृष्ट है, पवित्र है कि वहां द्वैत है ही नहीं, यही तो आदत है। और कह रहे हैं पहले सर्वत्र से अभिसमया मुलया स्वदृष्ट्या, वे संतादि मुनि सर्वत्र जहां जहां कहीं भी गए आज तक, है ना, सर्वत्र जो है उनको उनकी दृष्टि में कहीं कोई विषमता नहीं रही। स्वदृष्ट्या, दूसरे की दृष्टि में विषमता हो तो रहे, उनको अपनी दृष्टि में नहीं है, अपना ज्ञान अपना है। ये संचरन्ति विहिता विगता भिशंका, वे शनकादि है ना अभिहिता, आज तक किसी ने उनको कभी रोका ही नहीं कि ठहरो अभी मत जाना, किसी ने नहीं ऐसा किया। अभिहिता, उनके संचरण को किसी ने आज तक रोका नहीं। विगता भिशंका, और उनको कोई शंका भी नहीं थी कि हमको कोई रोकेगा, हमको कोई रोकने शंका थी भी नहीं। भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के राज दरबार में ब्राह्मण के लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था, सीधे पहुंच जाते, कोई रोकेगा नहीं। उसी प्रकार से किसी भी लोक लोकांतर में इनका इनके लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, एक मिशतो पश्यतो, ये दोनों द्वारपाल जय विजय देख रहे हैं, और उनके उनके देखने को देखते रहे ये, है ना। तव अनादृत्य अप्रश्चयो, उनका अनादर करना क्या है, उनसे पूछे बिना घुस गए। अप्रश्चय या पूर्वा सात द्वार, जैसे पहले के छह द्वारों को पार करते चले आए, पुरता अलंकृत वज्रमय्या, तपाए हुए सोने से अलंकृत वज्रमयी जो कपाट थी द्वार थे, या सुता यथा विदिशु, उनमें जैसे वे प्रवेश करते चले आए, किसी ने टोका टाकी नहीं की, है ना,
ता यथा दिव्युः उन द्वारों में कपाटों के भीतर जैसे सनकादि प्रवेश होकर के चले आए यहाँ तक है ना, तथा सप्तमायाम के द्वार से विविहु निविहु उसी प्रकार से सातवें द्वार में भी प्रवेश हो रहे हैं। आ प्रश्न हेतु है, पूछा क्यों नहीं? वही शिष्टता के अभिमान में कोई कहे कि पूछना चाहिए, कहते सर्वत्र ये अभिहता अनिवार्यता सनकादिकों को कहीं कोई रोकता नहीं है, अनिवार्यता संचरन्ति और निसंकत्य हेतु कोई रोकने वाला नहीं सारे संसार में, और उनके मन में कोई शंका नहीं कि कोई हमको रोक भी सकता है। क्यों शंका क्यों नहीं? अविस्मया सदस्या उनकी अपनी दृष्टि में तो एकमात्र अव्यय तत्व ही है और तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उनके मन में दृष्टि में विषमता का नामो निशान नहीं है। तब तान वीक्ष बातरसनाय चतुरः कुमारान् वृद्धान दशार्ध वयसो विदितात्म तत्वान् वेतरुचाखलयता मतदर्हणांस्तं तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलं। इस द्वार में गड़बड़ होने जा रहा है। क्या गड़बड़ होने जा रहा है? तान उन सनकादिकों को देख करके जय विजय ने उनका विशेषण है बात रसना वायु रूप वस्त्र है जिनके नग्न चतुरस कुमारान चारों कुमार बालक आयु में तो वृद्ध है सबसे वृद्ध है किंतु देखने में दशाध माने पांच पांच वर्ष की अवस्था वाले हैं कुमार हैं विदितात्म तत्वान जिन्होंने आत्मतत्व को हो अच्छी तरह से जान लिया है जान रखा है विदितात्म तत्वान उनको वेतन चाश खलायताम है ना आतादर हणांश तव तव जय विजय उन जय विजय ने फल लगा दिया आज फिर खांग सदय चाश फलायताम आतादर हणांश तव यद्यपि सरकारि इसके योग्य नहीं थे कि उनको प्रवेश से रोका जाए इसके लायक नहीं थे किंतु जय विजय ने यही अपराध कर डाला तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशील उन्होंने जय विजय ने सनकादिकों के तेज की हंसी उड़ाई। अरे होंगे सिद्ध होंगे तो आत्मज्ञानी होंगे तो हुआ करे सिद्ध होंगे तो हुआ करे हम तो नहीं जाने देंगे है ना तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशील यही जो है ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी ओर से मोहर लगाते हैं भगवान के शील से प्रतिकूल शील वाले हो गए। जो कार्य भगवान कभी नहीं कर सकते न अनुमति दे सकते हैं वैसा कर बैठे भगवत प्रतिकूल शील ठीक है बात रसनान नग्नान नग्न वृद्धान है तो वृद्ध किंतु पांच वर्ष बालक वत् प्रतीयमान पांच वर्ष के बालक जैसे प्रतीयमान हो रहे हैं। चकारात आज्ञया च यहां जो है ना चास वेत्र चास खलायता माने छड़ी भी लगाई जय विजय ने और मुंह से भी रखा मैंने पूछा कैसे जा रहे ये भी कहा आज्ञा चो आज्ञा दी ठहरो अस्खलयताम निवारितवंत उनको
निवारण कर दिया, रोक दिया, छड़ी लगा करके भी और वाणी के द्वारा भी। ना तत् स्व स्खलन मरहति अर्हन्ति तथा पान। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यद्यपि वे शनकादि निवारण करने योग्य नहीं है कि उनको जाने न दिया जाए, किंतु उनको भी जय विजय ने निवारण कर दिया, रोक दिया, जाने नहीं दिया। और अस्त्रात इस धार्ष्यम तेवं तेषां तेजो विहस्य। बल्कि जय विजय ने शनकादिकों के तेज की हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई कि अरे कैसे ये लोग हैं, भगवान के वैकुंठ लोक में भी जो है शिष्टाचार का पालन नहीं करते, हमारे सामने देखते देखते घुसे चले जा रहे, पूछते भी नहीं है, ये सोच रहे हैं। आओ अच्छाद धार्ष्यम वैकुंठ धाम में आकर के विशिष्टता नहीं छोड़ रहे, हर जगह की बात दूसरी है। इस प्रकार से अपनी मन बुद्धि में उनके तेज की हंसी उड़ाते हुए रोका। भागवतो ब्रह्मण देवस्य प्रतिकूलम शीलम व्ययो। ऐसा क्यों किया जय विजय ने? तो कहते हैं कि जो भगवान ब्राह्मणों को देवता मानने वाले हैं, उनके प्रतिकूल शील वाले हैं जय विजय, इसलिए इनके द्वारा यह अनाचार कर दिया गया। पाद्याम मिषत् सन्निमिषेषु निषिध्यमाना स्वरहत्तमाह्यति हरेः प्रतिहार पाद्याम ऊचुः सुरोत्तम दिदृक्षितमं भंग ईषत् कामानुजेन सहसा तौपप्लुताक्षाः। आप कहते हैं कि उन दोनों के द्वारा, जय विजय के द्वारा, अन्य विशेष मिषत्सु वैकुंठ धाम में, वहां और देवगण भी तो थे, उनके देखते देखते ही उन दोनों जय विजय के द्वारा निषेध कर दिए जाने पर, जो शनकादि स्वरहत्तमाः पूज्यतम थे, है ना, आदरणीय तम थे, वे भी देवताओं के देखते देखते उनको जाने से रोक दिया गया जय विजय के द्वारा। यदि हरे प्रतिहार पाभ्याम, और वह भी किसके द्वारा? भगवान श्री हरि के द्वारपालों के द्वारा, प्रतिहार पाभ्याम द्वारपालों के द्वारा। कोई और आकर के गड़बड़ करता तो बात दूसरी थी, अब तो क्या हुआ, ऊचु सुरोत्तम दिदृक्षित भंग ईषत् कामानुजेन सहसा तौपप्लुताक्षा। रोक देने पर क्या हुआ कि शनकादिकों में भगवान के दर्शन की बड़ी उत्कट अतिशय अभिलाषा थी। भगवान सुरोत्तम है, संसार में भगवान से बढ़ करके शहद कोई है ही नहीं, श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम है, उनका दर्शन करने के लिए आए थे, किंतु उस दर्शन में बाधा पड़ गई। श्रेष्ठतम दिदृक्षित भंग है ना, काम जब कोई इच्छा हो और वह पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, तो वही कह रहे ईषत् कामानुजेन सहसा तौपप्लुताक्षा। सर्वोत्तम भगवत दर्शन की कामना उनकी पूर्ण नहीं हुई, तो काम के पूर्ण नहीं होने से क्रोध आ गया। कामानुजेन, काम का अनुज है, छोटा भाई है क्रोध, सहसा व्याप्त हो ते उपप्लुताक्षा, उनके नेत्र जो है क्रोध से उपप्लुत हो गए, रक्त क्रोध की कर। हरे द्वारपाल पतिभ्याम
देवेशु पक्षसु वाजमाना है। श्री हरि भगवान के द्वारपालों के द्वारा देवताओं के देखते देखते जब उनको रोका गया ते मुनयः, तब वे मुनि शनकादि आगे तीन श्लोकों की बात कहने जा रहे हैं कोवाम से। इत्यादि श्लोक त्रयीमूचु, तीन श्लोकों में अपनी बात कही। और क्यों कही, क्यों क्रोध आया, तो सुरहितमः श्री हरिः तस्य दिव्यक्षितम् दर्शन इच्छा, सुरहितम् भगवान श्री हरि के दर्शन की इच्छा, तस्य भंगे उसमें बाधा पड़ गई, रुकावट पड़ गई। तस्य भंगे सति ही कामस्य अनुजः क्रोधः, तब काम का अनुज क्रोध पैदा हो गया। तेन सहसा अकस्मात एवं उपप्लुतानि, उस क्रोध के प्रकट हो जाने से अकस्मात नेत्र उनके क्षुब्ध हो गए, क्षुभितानि अक्षीणेति, ये सांते। महाराज ने वाराणसी में एक बार इस प्रसंग पर चर्चा करते हुए बताया कि भाई देखो, एक तो भगवत धाम में निवास करने वाले जय विजय के द्वारा इस प्रकार का आचरण हो नहीं सकता। भगवत धाम की तो जैसी महिमा बताई गई है, वहां स्वभाव किसी का गड़बड़ होता ही नहीं। भगवान के सन्निधि में रहने वाले, और फिर मान लो ऐसा हुआ तो जय तो शनकादिकों को क्रोध क्यों आया, दूसरा प्रश्न। क्रोध नहीं आना चाहिए, और क्रोध आया भी तो उनको साप दे दिया। क्रोध आ गया, आकर के सहन कर लेते, साप लेते तो साप दे दिया, और साप लग भी गया, उनका पतन भी हो गया। ये चारों घटनाएं अत्यंत आश्चर्यजनक है। संभवतः श्रीधर स्वामी इसका जिक्र करेंगे, किंतु इनका एक ही उत्तर है कि भगवान की लीला, भगवान इस लीला के द्वारा धर्म के रहस्य का उद्घाटन करना चाहते हैं, धर्म के रहस्य का उद्घाटन करना चाहते हैं लीला के द्वारा। इसलिए यह प्रसंग बड़ी गंभीरता से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धर्म के रहस्य का उद्घाटन होना है। तो आप कहते हैं, तो सहसा अकस्मात एवं उपप्लुतानि शुभितानि अक्षीणि ये शान्ते, सहसा उनके नेत्र क्षुब्ध हो गए। सुष्ठ पूज्य तमा अतीत निषेधा नरहत्ते क्रोधा नरहत्ते वाहेतु, अथवा है ना, अत्यंत पूज्यतम थे इसलिए उनको रोकना नहीं चाहिए। एक है मैंने ऐसे पूज्यतमों को रोका जो भी मैंने कुछ समझा नहीं, एक तो ये, दूसरा और फिर वे इतने श्रेष्ठ महापुरुष थे उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। दोनों के उसमें जो है एक प्रश्न खड़ा होता है, क्रोधा न रहते वाहेतु, जिनको क्रोध नहीं करना चाहिए और जिनको रोका नहीं जाना चाहिए। आप मुनि लोग कहते हैं, टाइम तो हो रहा है, देखते हैं तीन श्लोक। मुनयेतु कोवामिहैत्य भगवत परिचर्योच्चैस्तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः, तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गतविग्रहे वाम कोवात्मवत् कुहुकयोः परिशंकनीयः। शनकादि कहते हैं कि अरे भाई, तुम दोनों देखो भाई, यहाँ इस भगवत धाम में, बैकुंठ धाम में भगवान की परिचर्या सेवा पूजा वाला ही यहाँ आता है। भगवत परिचर्या
उच्चैहि तद्धर्मिणाम्। और वे ही लोग यहाँ आकर के भगवान के समान धर्म वाले लोग ही यहाँ निवास करने वाले रहते हैं, इसलिए उनकी वेशभूषा, चाल ढाल, वस्त्र आभूषण, अलंकार सब भगवान जैसे। ऐसे इस भगवत धाम में है, वैकुंठ धाम में है, तुम दोनों का यह विषम स्वभाव कहां से आ गया? मूल मूल कर देते हैं फिर कल तो बंद रहेगा ना। तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गद विग्रहवान। देखिए पहला तो उनका तर्क यह है कि यहां तुम जैसा व्यक्ति आया कैसे और ऐसा स्वभाव कैसे तुम्हारा है। एक तो कोई तर्क करे कि अरे वाह, अपने स्वामी की रक्षा में सतर्क रहने वाला द्वारपाल तो अच्छा माना चाहिए। तुम तर्क करते हो तो उस पर कहते हैं तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गद विग्रहवान। भगवान तो प्रशांत महापुरुष है, उनमें उनका तो कोई शत्रु, उनके तो द्वेष करने वाला तीनों काल में कभी कोई हो ही नहीं सकता। प्रशांत पुरुष है, उनमें कौन जो है उनका दुश्मन बन करके उनका उनके साथ झगड़ा करने के लिए आएगा, छुप करके जो है राजनीति करने के लिए आ जाएगा। ये कैसे तुमने सोच लिया? जरूर तुम्हारे भीतर स्वयं कपट है। दूसरे में जिसके भीतर स्वयं कपट होता है वही उस कपट की संभावना दूसरों में कर लेता है। मनोविज्ञान है। विग्रहवान को आत्मवत कुहुकयो परिसंकनीय। तुम जैसे स्वयं छल कपट करने वाले हो यह आशंका तुमको बनी रहती है कि दूसरा कोई ऐसा छल कपट करने वाला आकर के भगवान को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए तुम यह सोच रहे होगे। और कहते हैं नाह्यंतरम भगवती समस्त कुक्षौ आत्मान मात्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो किं वित्ताजितं हि गर्भेदि भयं यतोस्यो। कोई यह तर्क करे, प्रश्न करे कि ठीक है भगवान में तो प्रशांत है ना, गद विग्रह है, लेकिन भाई आने जाने वाले हजार लोग आते जाते हैं, पता नहीं कौन कैसा गड़बड़ आ जाए, ये प्रश्न रह जाएगा ना। क्या पता कौन कैसा व्यक्ति आ जाए किस समय, अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ, आतंकवादियों को ठिकाना नहीं रहता नहीं। तो इस पर कहते हैं कि देखो इसको भी समझो, श्री भगवान के पृथ्वी में उदर में समस्त विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। भगवान के उदर में समग्र भूत भविष्य वर्तमान सब समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनसे अलग कुछ है ही नहीं, कोई अंतर है नहीं, दूसरा है नहीं। समस्त कुक्षौ आत्मान मात्मनि नभो नभसीव धीरा। ऐसे भगवान के दर्शन के लिए आने वाले जो सत्पुरुष हैं वे भी अपने को भगवान के भीतर ही देखा करते हैं। जैसे घड़े के भीतर वाला आकाश व्यापक महाकाश के भीतर ही तो है, उसी तरह से भगवान के भक्त जन अपने आत्म स्वरूप को भगवान के भीतर ही देखने वाले हैं। और जो ऐसा देखने वाले वही आएंगे, जो कौड़ी के लोग तो आएंगे नहीं, आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आत्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो किं वित्ताजितं हि गर्भेदि भयं यतोस्यो। ऐसे भगवत धाम में भगवान में और भगवान का दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों के बीच में है ना, तुम देवता के लिंग में रह रहे हो, देवता के रूप में रह रहे हो,
तुम लोगों ने कहां से भेद देख लिया, विद्पादम हुदर भेद भयम यतोष्यो, तुमने भेद देखा कहां से, कैसे देखा जिससे कि तुमको डर लगा, और उस डर के कारण ही तुम छानबीन करने लगे, भाई कौन हो, पता बताओ, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या काम है, ऐसा जो करने जा रहे हो, ये भी संभव नहीं है। इसके बाद फिर कहते हैं कि इसलिए क्या करना चाहिए, तद्वा ममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तुः कर्तुम प्रकृष्टम ही धीमहि मंद धीर्याम। देखिए सनकादिकों की महिमा देखिए, कहते हैं भाई देखो तुम भगवान के सेवा कर चुके हो, सेवक रह चुके हो, वैकुंठ माने वैकुंठ के स्वामी भगवान के तुम सेवक हो, सेवा की है तुमने, इसलिए तुम्हारे कल्याण की बात हमको सोचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के तुम हो ऐसे तुम लोग यहां रहने लायक नहीं हो, इलाज करने के लिए तुमको भेजना पड़ेगा। प्रकृष्टम ही धीमहि मंद धीर्याम, तुम मंद बुद्धि हो, तुमको कोई बोध नहीं है, न भगवत तत्व को जानते हो न भगवत भक्त को जानते हो, मंद बुद्धि है, किंतु भगवान की सेवा तुमने की है तो उसका अच्छा फल तुमको मिलना चाहिए। अच्छा फल क्या होगा, सुधार हो जाए, कमी दूर हो जाए। वो कैसे दूर होगी, उसका उपाय क्या है, लोकायतो व्रजत मंत्र भाव दृष्ट्या, इसलिए तुम्हारे भीतर जैसा काम क्रोध का भाव है उसी प्रकार के लोगों को तुम जाओ, इतः है ना तान लोकान व्रजत, उन लोगों को जाओ, अधम योनियों को प्राप्त करो, अंतर भाव दृष्टिया, जैसा तुम्हारे भीतर भाव है, रजोगुण तमोगुण का भाव है, उसे अपने अंतर भाव की दृष्टि से पातीयसः त्रय इमे रितोष्यत्र, पाती अतिशय पापपूर्ण लोकों को प्राप्त करो, जिन लोकों में ये तीन प्रकार के काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार जो कहे गए हैं ये जहां पर मिलते हैं रहते हैं, ऐसे उन जघन्यतम लोकों को जाओ, वहां जा करके तुम अपने स्वभाव के अनुसार जो है उन पापों का प्रायश्चित करोगे, है ना, फिर आगे जो है फिर और क्या होगा, वो तो घबरा करके फिर चरणों में गिर पड़ेंगे, आगे प्रसंग है, यही रहने सच्चिदानंद भगवान।